नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। मनमोहन और सोनिया ठग हैं, नरेंद्र मोदी कातिल, काटजू का एक और विवादित बयान। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू ने एक और विवादास्पद बयान देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर निशाना साधा है। अपने ट्वीट में काटजू ने मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी को ठग बताया है। पूर्व जज ने पीएम मोदी को जनसंहार करने वाला करार दिया है। उन्होंने यह भी लिखा है कि इन लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान में ढूंढा दाऊद का ठिकाना। खबर है कि अंडरवर्ल्ड डॉन और 1993 के मुंबई धमाकों के आरोपी दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तान स्थित ठिकाने को भारतीय खुफिया एजेंसियों ने ढूंढ लिया है। खबरों के मुताबिक पाक खुफिया एजेंसी ISI दाऊद की खातिरदारी में लगी हुई है। बताया जाता है कि दाऊद पाकिस्तान में ही रह रहा है और वह लगातार अपने ठिकाने बदल रहा है। दाऊद और उसके परिवार के पास पाकिस्तान का पासपोर्ट भी है। शिवसेना का मोदी पर कटाक्ष, महाराष्ट्र से अधिक भाग्यशाली है मंगोलिया। शिवसेना ने मंगोलिया को $1 अरब की ऋण सुविधा देने संबंधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा की आलोचना की है। पार्टी ने पूछा कि वह महाराष्ट्र में कर्ज से परेशान किसानों की मदद के लिए यही उदारता क्यों नहीं दिखाते। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के एक संपादकीय में लिखा है कि मोदी का यह कदम हाल में आत्महत्या करने वाले किसानों की आत्मा की पीड़ा को और बढ़ाएगा। बांग्लादेश दौरे के लिए भारतीय टीम घोषित, हरभजन की वापसी। बांग्लादेश दौरे के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। भारतीय वनडे टीम की कमान एक बार फिर महेंद्र सिंह धोनी को दी गई है, जबकि टेस्ट टीम की कमान विराट कोहली संभालेंगे। भारत के दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह की टेस्ट टीम में वापसी हुई है। हरभजन ने भारत की ओर से अपना अंतिम टेस्ट मैच 2013 में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध खेला था। टेस्ट टीम इस प्रकार है: विराट कोहली कप्तान, मुरली विजय, शिखर धवन, KL राहुल, चेतेश्वर पुजारा, रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे, रिद्धिमान साहा, आर अश्विन, हरभजन सिंह, करण शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, उमेश यादव, वरुण आरोन और ईशांत शर्मा। एक दिवसीय टीम इस प्रकार है: महेंद्र सिंह धोनी कप्तान, विराट कोहली, रोहित शर्मा, सुरेश रैना, शिखर धवन, अजिंक्य रहाणे, अंबाती रायडू, आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, स्टुअर्ट बिन्नी, मोहित शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, धवल कुलकर्णी और उमेश यादव। MS धोनी पर लगा जुर्माना। IPL 8 मुंबई इंडियंस के खिलाफ पहले क्वालिफायर मैच के बाद अंपायर के निर्णय पर सार्वजनिक तौर पर टिप्पणी करने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर मैच फीस का 10% जुर्माना लगाया गया है। हार से निराश धोनी ने मैच के बाद हुए प्रेजेंटेशन के दौरान कहा था कि ड्वेन स्मिथ हार्बिल डिसीजन खराब निर्णय का शिकार हुए। IPL वेबसाइट के अनुसार कप्तान धोनी ने IPL के खिलाड़ियों और टीम अधिकारियों के आचार संहिता नियमों के तहत लेवल 1 के अपराध को स्वीकार कर लिया है तथा जुर्माने को भी स्वीकार कर लिया है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।